दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को एक बेहतरीन तेज गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने होनहार तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए ऐसा कुछ कह दिया है जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में उमरान मलिक की गेंदबाजी ने सभी को प्रभावित किया है और अब उनकी बातों ने भी लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। हाल ही में दोस्तों दिए गए एक इंटरव्यू में उमरान ने राहुल द्रविड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने टीम के हेड कोच के बारे में क्या कहा है वो सब तो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह में से कौन बेहतर गेंदबाज है? अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लगातार 150 से ऊपर की गति से गेंदबाजी कराने की काबिलियत अगर किसी गेंदबाज के पास होती है तो वो यकीनन आज नहीं तो कल भारतीय टीम में खेलते हुए नजर जरूर आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही उमरान मलिक के साथ भी हुआ है। पिछले साल सनराइजर्स ने जिस उमरान मलिक को एक नेट गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल किया था, एक ही साल में अपनी मेहनत के जोर पर वो शख्स आज भारतीय टीम का हिस्सा बन चुका है। आईपीएल 2022 में हैदराबाद के रिटेन्ड प्लेयर ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाई। पूरे सत्र में 22 विकेट लेकर उमरान ने सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उनकी तेज रफ्तार गेंद के सामने बड़े बड़े धुरंधर भी घुटने टेकते हुए नजर आए। यही वजह थी कि बिना देर किए 22 साल के नौजवान को भारतीय टीम में तुरंत शामिल कर लिया गया और अब जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक इंडिया डेब्यू करने की दहलीज पर खड़े हैं। दोस्तों, फिलहाल उमरान टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों के साथ साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और उस दौरान उनकी आग उगलती हुई गेंदों ने सभी को प्रभावित किया है। खुद भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी इस युवा गेंदबाज की जमकर सराहना की है। इसके अलावा उमरान ने भी टीम के हेड कोच के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राहुल सर ने मुझसे मिलते ही कहा कि तुम काफी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हो, बस इसी तरह अपनी गेंदबाजी पर काम करते रहो। उमरान के मुताबिक टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उनसे ऐसे मुलाकात की जैसे वो टीम के रेगुलर सदस्य रहे हों। उन्होंने उमरान को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा उमरान ने कहा कि अच्छा लगता है जब राहुल द्रविड़ जैसा शख्स के सामने आप नेट्स में गेंदबाजी करते हो, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं बॉलिंग कोच पारस सर भी गेंदबाजी में काफी मदद करते हैं। मेरा फोकस रफ्तार के साथ सभी एरियाज में गेंदबाजी करने पर होता है और मैं आगे भी टीम इंडिया के साथ रहकर यही कोशिश करूंगा कि तेज गेंदों के साथ सही एरियाज में गेंदबाजी करा सकूं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों उमरान मलिक भारतीय टीम के साथ जुड़कर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबलों की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसकी पूरी संभावना है कि 5 मैचों की सीरीज में उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का भी मौका मिल जाएगा जहां वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या उमरान मलिक साउथ अफ्रीका सीरीज में सबको प्रभावित करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।